हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अभी आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों की स्कूल्स भी बंद है। तो इसी वजह से करियर ब्रिज अकेडमी के द्वारा आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग घर पे अच्छे से बैठ के सारे वीडियोज़ देखें, और जो भी PDF आपके पास सेंड किया जाता है वो सारा वर्क अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। So today I will take up your science class. So today we will start our chapter number 11, force and pressure. Force and pressure क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा last class में। Force यानी किसी चीज़ पे बल लगाना, okay? और pressure किसी चीज़ को pressure यानी उसको press करना, या फिर किसी चीज़ पे जैसे आप के पास कोई बॉटल वगैरह होती है आप उस पर प्रेशर लगाते हो, मतलब उसको प्रेस करते हो या फिर दबाते हो, वो मतलब एक ही है, दबाना बल लगाना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन एवरीडे लाइफ। वी नो हाउ टू सेट समथिंग इन मोशन, गिव इट अ पुश और पुल, दैट इज़ वी अप्लाई अ फोर्स। फोर्स एंड मोशन आर इंटीमेटली रिलेटेड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, फोर्स एंड मोशन। अ शॉर्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हाउएवर, इफ़ यू स्टॉप एंड थिंक इट, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टू कॉज अ चेंज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, क्या उसकी वजह से उसकी प्लेस चेंज हो जाती है और उसका शेप एंड साइज भी चेंज होता है। वेदर इट इज़ इनिशियली एड्रेस्ड इन मोशन, लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जाम्पल्स। इमेजिन यू आर गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, द बस हैज सम ट्रबल विद इट्स बैटरी, द ड्राइवर आस्क द बॉयज टू पुश द बस। आप कभी कभार पिकनिक पे जाते हो और ऐसा होता है कि बस ख़राब हो जाती है, तो ड्राइवर क्या बोलता है कि बस को पुश करो, यानी उसको धक्का लगाना है, क्योंकि बस की बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है। What do the boys do? They apply force. वो क्या करते हैं, force लगाते हैं, उसको push करते हैं, during pushing so that the bus starts moving. और धक्का लगाते लगाते क्या होती है, बस चलना start हो जाती है। Imagine, second example देखो, imagine the door of your house is jammed as it often happens in the rainy season. Your mother tries to pull it open, however the door doesn't open. She calls you for help. बोथ ऑफ़ यू अप्लाई फोर्स टू पुल ओपन द डोर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके घर का दरवाज़ा जाम हो जाता है, तो वो बारिश की वजह से जाम होता है, बारिश के मौसम में तो क्या खुलता नहीं है, तो आपकी मम्मी उसको पुश करती है, धक्का लगाती है, फिर भी नहीं खुलता, तो आपको हेल्प के लिए बोलती है, फिर आप दोनों उस पर मिल के फोर्स लगाते हो तो क्या होता है वो खुल जाता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट में था, बट फोर्स लगाने से क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। If you carefully study the above examples, you will notice that the word force is a pull or push. Whenever we are pushing or pulling, twisting or tearing, lifting or bending, इसमें क्या देखा आपने, फोर्स का मतलब क्या है, पुश और पुल, धक्का लगाना या खींचना। A force may give energy to an object and cause it to start moving. फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो या तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, या फिर मूव कर रहा है तो स्टॉप हो जाता है, या फिर स्टॉप है तो वो मोशन में आ जाता है, या फिर मोशन भी चेंज कर लेता है। फोर्स एंड मोशन आर इंटीमेटली रिलेटेड, एट सॉर्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द विंड पुशेस अगेंस्ट यू एंड द फ्लैग ऑन द पोल अ मैग्नेटिक। विंड क्या करती है, आप कभी चल रहे हो, तेज़ हवा चल रही है, तो वो आपको सामने से फोर्स लगाती है। अ मैग्नेट पुल्स आयरन टूवर्ड्स इट। मैग्नेट क्या करता है, जब उसके पास आयरन नील्स वगैरह कुछ रखा हो तो उसको पुल करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है। अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में हम कहीं देखते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स अ फोर्स इन्वॉल्व। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, फोर्स के। द फोर्स गिव्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी कैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टॉप इट मोशन, चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन। एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट को, उसके मोशन में चेंजेस लाता है,
और उसकी स्पीड और डायरेक्शन को भी चेंज करता है। नेक्स्ट है फोर्स, एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आता है तो देखो क्या होता है, फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग। जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती है तो फोर्स हमें शो होता है। देखो, शोज अ बॉय स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव सिंपली बिकॉज द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बॉय। एक कार खड़ी है, देखो एक लड़का उसके पीछे खड़ा है, बट वो पीछे खड़ा है जिसकी वजह से कार मूव नहीं हो रही क्योंकि कार को अभी कोई ड्राइव नहीं कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है बॉय और कार के बीच में, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, बॉय ने कार को धक्का लगाया, तो उसकी वजह से क्या कार क्या मोशन में आ गई या मूव करने लग गई। ओके, नेक्स्ट है शोज टू गर्ल्स पुशिंग ईच अदर। यहाँ पिक में देखो दो गर्ल्स पहले तो एक दूसरे को पुश कर रही है फिर एक दूसरे को पुल कर रही है, पहले धक्का लगा रही है फिर खींच रही है। ये लड़का भी गाय को पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। इन द ऑल अबाउ केसेज यू कैन सी देयर आर टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट, व्हेन दीज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट अ फोर्स कम्स इनटू प्ले। जब कोई दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है तो हमें फोर्स शो होता है। दस वी कैन से एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की डायरेक्शन। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये अगर कोई दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो आप, द नेट फोर्स ऑन इट ऑल्सो एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या, उसी डायरेक्शन में लगेगा। इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्ट्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट फोर्स। और अगर आप दो फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स किस तरफ ज़्यादा होगा, जिस तरफ आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो वहाँ पर नेट फोर्स भी ज़्यादा होगा। दस फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, तो फोर्स भी ज़्यादा या कम हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स की स्ट्रेंथ किससे प्रेजेंट करते हैं अपन, मैग्नीट्यूड से। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो इसके इफेक्ट्स में भी चेंज आता है। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। By effects of force, we mean what force can do or what changes a force can bring about. इससे देखेंगे force की वजह से क्या क्या changes हो सकते हैं, ये अपन next video में देखेंगे। Okay? Thank you.